ओबीसी महासभा के बैनर तले बेरोजगार युवक युवतियों ने बालाघाट नगर मुख्यालय के अंबेडकर चौक स्थित गार्डन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली एवं ज्ञापन सौंपते हुए प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले पर कड़ा एतराज जताते हुए उक्त परीक्षा को रद्द करने की मांग की। मांग पूरी नहीं पर प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। प्राथमिक शिक्षा पात्रता के परीक्षार्थी युवाओं ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार पर बेरोजगारों की अवहेलना और उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और रैली निकालकर अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक हीना कावरे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत को ज्ञापन सौंपकर मामले को विधानसभा में उठाने की मांग की। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। परीक्षार्थी युवाओं ने बताया कि 24-25 तारीख को शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो गया था। हम मेहनत करने वाले अभ्यर्थी 100 से 110 अंक ला रहे हैं, वहीं पेपर लीक वाले 140 से अधिक अंक लाकर सिलेक्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार को अपने सिस्टम में परिवर्तन करते हुए ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परीक्षा लेनी चाहिए, साथ ही पेपर लीक मामले की CBI जांच कराई जानी चाहिए। मेरा नाम है, मेरा 25 तारीख को 9 से 9:30 वाले शिफ्ट में सरदार पटेल में सेंटर था एग्जाम में, और मैं भी यही चाहती हूँ कि वर्ग 3 पात्रता परीक्षा निरस्त की जाए और नए तरीके से नए सिरे से यह परीक्षा ली जाए, वो भी ऑफलाइन तरीके से ली जाए, वो भी एक ही दिन में संपन्न की जाए। ये प्राइवेट समितियों को टेंडर ना देते हुए सरकारी तरीके से इसकी अच्छे से परीक्षा ली जाए। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी था और जो प्रश्न थे वो भी जो है कई बार ऐसा लग रहा था कि कंफ्यूजन वाले, एटलीस्ट वर्ग 3 के अकॉर्डिंग नहीं था पेपर वाला। आपका क्या ओपिनियन? जी बिल्कुल सही बोलना है, आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया था, एटलीस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पेपर दीजिए कम से कम हमको, और ऐसे बिना सिलेबस के एग्जाम करा रहे हैं, ऊपर से आप लोग ऐसे लीक हो रहा है पेपर, तो हमारा तो मतलब शिक्षक भविष्य पूरा खराब हो रहा है ना। हम रात दिन मेहनत करके परीक्षा देने जाते हैं ताकि उससे जाते हैं कि हम ताकि क्वालिफाई हो तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो आप एग्जाम और ऊपर से फिर पेपर को लीक करा रहे हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए? कितनी मेहनत करेंगे हम और कब तक करेंगे? सारी लाइफ करते रहेंगे क्या, बताइए आप? यही हमारी सरकार से मांग है कि इसकी मतलब अच्छे से जांच की जाए, परीक्षा निरस्त की जाए और कार्रवाई की जाए। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि ये जो परीक्षा हुई है वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, इसको निरस्त की जाए क्योंकि इसका पेपर 25 तारीख से फर्स्ट शिफ्ट का लीक हुआ है, क्या पता कि इसके पहले भी लीक हुआ होगा। तो इसीलिए हम ये मांग उठाते हैं कि सारी परीक्षा निरस्त हो, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी बंद की जाए और ऑफलाइन पेपर हो और एक दिन में पेपर हो, वो भी सरकारी संस्थान में हो, प्राइवेट संस्थान को ये परीक्षा ना ली जाए। क्या लगता है आपको, जो शिवराज सरकार हमेशा कहती है कि हम लोग नहीं, वो सिर्फ बोलते हैं करते नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा में यही होते आ रहा है, घोटाला होते आ रहा है। अभी MP पुलिस का आप देख लीजिए, उसमें भी घोटाला हो रहा है, वर्ग 3 में भी हुआ है और वर्ग 1 और 2 में भी यही हुआ है। सौरभ मोदी, OBC महासभा के अध्यक्ष वाला जी, किस विषय को लेकर आज आप यहाँ पहुँचे? आज हम लोग जो शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश में विगत 11 वर्षों के बाद में आयोजित कराई जा रही है, विगत 25 तारीख को इस परीक्षा का एक पर्चा लीक हुआ जिसके कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो युवा है वो बहुत आक्रोश में, और इस तरीके से जो पर्चा लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारे मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे 4-4, 5-5 साल पढ़ाई करते विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाते, अपने गांव से आकर जिला मुख्यालय में या इंदौर जबलपुर बड़े बड़े शहरों में जाके अध्ययन करते, आज उनके भविष्य की हत्या इस सरकार ने कर दी है। लाखों बच्चों के भविष्य की हत्या का कोई जिम्मेदार है आज तो व्यापम है, और व्यापम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर चल रहा है। हम विगत कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं, जब से हम समझदार हुए हैं, व्यापम जब जब कोई भी परीक्षा मध्य प्रदेश में आयोजित कराता है तो कहीं ना कहीं विवादों में आती है। इसके पहले में भी व्यापम के कई फर्जीवाड़े मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं और अभी भी वो रुकने का काम नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा ही नहीं, पुलिस की भी जो अभी विगत दिनों परीक्षा आयोजित की गई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो, ये जो निजी एजेंसी परीक्षा आयोजित करा रही है, इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये सरकारी संस्थानों के माध्यम से होना चाहिए,
जो जिला मुख्यालयों में जो परीक्षा के सेंटर दिए जाते, निजी संस्थानों को सेंटर दिए जाते, ये लोग सेंटर लेकर उसमें फर्जीवाड़ा करते। तो हमारी मांग है कि निजी सेंटरों के बजाय जो उस जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, कंप्यूटर कॉलेज हो, पीजी कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, ऐसी जगह में सेंटर बनाया जाना चाहिए। और वहाँ पे जो ड्यूटी लगाई जाती है वो सरकारी अधिकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की लगाई जाना चाहिए, ना कि प्राइवेट लोगों की। लेकिन सौरभ जी, सरकार तो हमेशा बड़े बड़े दावे करती है कि भाई हम जो अपने भांजा भांजी की बड़ी फिक्र करते हैं, एजुकेशन को लेकर बड़ा अलर्ट है, आपको क्या लगता है इस तरह की जो अव्यवस्थाएं नजर आ रही है, जिस तरह के पर्चे लीक हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो शिवराज मामा बच्चियों को भांजा भांजी बोलता है, आप देख रहे हैं आज सिर्फ बालाघाट जिले की ही बात कर ले हम लोग, तो उनकी आंगनवाड़ी में जो लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में भांजियाँ काम करती है, आज वो सड़क पे विगत कई दिनों से वो लोग आंदोलन कर रही है। 2018 में जो वर्ग 1 और 2 की परीक्षा आयोजित की गई थी, वो लोग भी आज शिक्षा से वंचित है, नौकरी से वंचित है। आज 4 साल बीत जाने के बाद में भी वर्ग 1 और 2 के अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी है। आज उन्हीं की भांजे और भांजी। बालाघाट से रितेश सोनी की।